नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समास का अध्ययन करेंगे। समास का अध्ययन करने वाली वीडियो का यह पहला भाग है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम समास के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दिया होगा, तब तक आप सोचने का प्रयास कीजिए कि इस चित्र का अर्थ क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समास का अर्थ जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। इसके बाद हम संधि और समास में अंतर को समझेंगे। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में संधि का अध्ययन किया होगा। हम आज की कक्षा में समास का अर्थ जानते हुए संधि से किस प्रकार समास भिन्न है इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम समास के भेदों का अध्ययन करेंगे कि समास के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और कलम लेकर। आइए करते हैं अध्ययन हिंदी व्याकरण के एक विशेष प्रकरण का जिसका नाम है समास। सभी को स्क्रीन पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा और स्क्रीन पर दिखने वाला लड़का जिसका नाम गोलू है, वह अपने स्कूल जाना चाहता है। एक चिन्ह द्वारा बताया जा रहा है कि गोलू का स्कूल मानचित्र में कहां है। विद्यार्थियों क्या आप गोलू को इस मानचित्र के सहारे स्कूल पहुंचने में मदद कर सकते हैं? कौन से रास्ते को चुनेंगे? वह रास्ता जिसमें गोलू को अधिक चलना पड़े या वह रास्ता जिसमें गोलू को सबसे कम चलना पड़े? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर आप गोलू के स्थान पर होते तो आप उस मार्ग को चुनते जिस मार्ग से कम समय में स्कूल पहुंचा जा सकता है। इससे सबसे पहला फायदा यह है कि हमारा समय बचेगा। समय बचेगा तो हम कोई और भी काम कर सकते हैं। आप सभी समय का महत्व जानते हैं। और दूसरा, समय बचने के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी बचेगी। इस प्रकार जब हम जीवन में कुछ शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं तो उससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार के शॉर्टकट्स भाषा में भी होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। स्क्रीन पर आप एक राजा का महल देख रहे हैं। इसको व्यक्त करने के लिए आप यह कहेंगे कि वह राजा का महल है। और इसे अगर आप मुझसे कहें कि आप कैसे व्यक्त करेंगे, तो मैं कहूंगा कि वह राजमहल है। अब आप देखिए, मैंने राजा का महल शब्द के स्थान पर राजमहल का प्रयोग किया, है ना? राजा का महल और राजमहल, इन दोनों वाक्य में छोटा वाक्य कौन सा है? अगर आप सभी यह सोच रहे हैं कि छोटा वाक्य वह राजमहल है, तो वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आप देखिए, दोनों में एक ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक जैसे लगभग शब्द हैं, और एक ही भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी अर्थ भी एक ही जैसा आ रहा है, पर अंतर इतना है कि लिखते और कहते समय स्थान की भी बचत हो रही है, समय की भी बचत हो रही है, और स्थान और समय की बचत हो रही है, इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा की भी बचत हो रही है। इस प्रकार जो समास है वो भाषा का एक शॉर्टकट है, जहां पे हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर शॉर्ट कर देते हैं। आइए अब हम समास की परिभाषा जानते हैं। समास सम, अस और ह प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समीप समीप बैठना। समीप समीप बैठने से जो वाक्य विन्यास है वो संक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए समास को हम संक्षिप्तीकरण का एक प्रकार भी समझ सकते हैं, एक प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। इस प्रकार समास की परिभाषा यह बनेगी कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं।
धारणा क्या होती है इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो आपस में संबंधित होंगे वो जब एक साथ मिल जाएंगे तो उस प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। स्क्रीन पर आप राजा का महल और राजमहल उदाहरण देख सकते हैं। राजा का और महल ये दोनों आपस में संबंधित हैं। इसी को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है, एक पद बना दिया गया है जिसे हम राजमहल कह रहे हैं। और इससे क्या हुआ है, इससे संक्षिप्तीकरण हो गया है, इसीलिए यह समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आइए अब हम जानते हैं कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। आप सभी ने संधि का अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया होगा। संधि की परिभाषा इस प्रकार है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वहीं समास शब्दों के मेल को कहते हैं। आइए कुछ अंतर और जानते हैं। संधि में परस्पर दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस मेल को हम संधि कहते हैं, संहिता भी कह देते हैं कभी कभी। तो यहां पर आप देखेंगे कि वर्णों का मेल हो रहा है, यानी जो भाषा की इकाई है सबसे छोटी इकाई वर्ण उसका मेल हो रहा है। वही एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे सु धन आगत। अब यहां पर देखिए दो वर्णों का मेल हो रहा है, सु का उ और आगत का आ, तो सु धन आ मिलकर हो गया व, इस प्रकार बना स्वागतम शब्द बना। तो ये हुआ संधि। अब समास के बारे में जानते हैं। समास सम अस मा प्रत्यय से बना है ना, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना, इसकी चर्चा हमने की। तो यहां पर शब्दों को एक साथ बिठाया जाता है, दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों के मेल से नया पद बनता है, इसीलिए इसे समास कह देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अभी हमने राजा का पुत्र देखा, राज पुत्र हो गया। तो राजा का पुत्र जो है वो दो अलग अलग शब्द हैं और विस्तृत भी हैं, पर इनको संक्षिप्त करके हमने कर दिया राजपुत्र। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, एक शॉर्टकट प्रयोग कर लिया, और शब्दों के शॉर्टकट को हम कहेंगे समास और वर्णों के शॉर्टकट को हम कहेंगे संधि। यही एक जो बड़ा अंतर है वो संधि और समास में है। आइए अब हम जानते हैं समास की शब्दावली। समास को समझने के लिए उसकी कुछ शब्दावलियों को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे गणित में पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, उसी प्रकार व्याकरण में भी पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला है पूर्व पद। पूर्व पद समास जब होता है तो उसमें जो सबसे पहला पद होता है, यानी जो सबसे सामने पद होता है उल्टे हाथ की तरफ, उसे पूर्व पद कहते हैं। और जो सीधे हाथ की तरफ दूसरा पद होता है, दूसरा शब्द होता है, उसे कहते हैं उत्तर पद। पहले वाले को पूर्व पद और दूसरे वाले को उत्तर पद। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। अब है समस्त पद। समस्त का मतलब होता है कंबाइंड टोटल। तो यानी जब इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है और इनसे जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब जब मिलाया जा सकता है तो अलग भी किया जा सकता होगा, तो इस अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। यानी दो पदों को जब मिलाया तो समस्त पद बन गया, और जब उन्हीं दोनों पदों को, उन्हीं दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया गया तो वह विग्रह हो गया। आइए अब इसे एक चित्र के आधार पर समझते हैं उदाहरण सहित। जैसे राजा का महल, आप उदाहरण ले लीजिए, राजा पूर्व पद है, महल उत्तर पद है, और राजमहल जो है वो समस्त पद है ना। राजा का महल बन गया राजमहल, और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो वो विग्रह कहलाएगा, है ना। आइए अब हम जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। अब तक हम समास की परिभाषा समझ गए कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और हमने समास की शब्दावलियों को सीख लिया, है ना, कि समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह क्या होते हैं। आइए आप इसके भेदों का भी अध्ययन कर लेते हैं। समास के छह भेद प्रमुख माने गए हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है
समास, चौथा है द्विंद समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। विद्यार्थियों, आप इन समासों की वर्तनी का अवश्य ध्यान रखिए। द्विगु और द्विंद्व लिखते समय हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन होती होगी, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक इन शब्दों को देखिए, इनकी वर्तनी याद कीजिए, क्योंकि इनकी वर्तनी ही आपको बताएगी कि किस प्रकार इन समासिक भेदों में अंतर है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आज के जो विषय बिंदु हैं आपको वह पूरी तरह समझ आ गए होंगे। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है। हमने जाना कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास के कितने भेद हैं यह भी हमने जाना कि समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्विंद समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसके साथ साथ हमने संधि और समास में अंतर भी समझा। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं और समास शब्दों के मेल को कहते हैं, यह भी हमने जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने सभी विषय बिंदु को अच्छी तरह सीख लिया होगा। अगली वीडियो में हम समास के इन 6 भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सभी घर जाकर इन परिभाषाओं को, इन शब्दावलियों को और संधि और समास के अंतर को एक बार समझना ना भूलें, पढ़ना ना भूलें, इसका अभ्यास करना ना भूलें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।